भोपाल और विदिशा के बीच गत गुरुवार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हुई लूट की सनसनीखेज वारदात के साथ ही गलतफहमी के चलते दो निर्दोष युवकों से बुरी तरह मारपीट की गई। प्रबोध धाकड़ और सुरेश वर्मा नामक युवकों को पहले लुटेरों की गैंग का सदस्य माना जा रहा था, वहीं अब ये बात सामने आ रही है कि इनका लुटेरों से कोई संबंध नहीं था। दोनों ही युवक अब भोपाल के अस्पतालों में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुरेश वर्मा हैदराबाद का रहने वाला है और प्रमोद मुरैना का। दोनों ही वारदात के समय गेट पर बैठे थे। कुछ यात्रियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि दोनों लूटपाट में शामिल नहीं थे। प्रमोद के परिजनों के मुताबिक वह पुलिस भर्ती के लिए भोपाल आया था। जब पुलिस की परीक्षा देने भोपाल आया था, उससे वापस ग्वालियर जा रहा था, तो अज्ञात लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। साथ में ही उसका जो भी सामान था, ATM कार्ड, मोबाइल, पर्स, बैग, जो भी था, सब किसी चीज़ का पता नहीं है। साथ में ही इतना मारा है कि वो बिल्कुल अचेत अवस्था में है। और आज पांचवा दिन है, पांचवे दिन में भी उसने अभी तक आंखें नहीं खोली है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पुलिस ने इनको आरोपी ही साबित कर दिया है, मतलब आरोप इनके ऊपर ही मुजरिम बना दिया है इनको पूरा तरह से। प्रमोद के पास से परिचय पत्र और दस्तावेज भी मिले हैं। प्रमोद कोमा में है और सुरेश भी अस्पताल में भर्ती है। उल्लेखनीय है कि यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में गुरुवार रात बदमाश लूटपाट कर भाग गए, जबकि प्रमोद और सुरेश की यात्रियों ने जमकर धुनाई की। दोनों ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए।